तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से कार्टून वीडियो को बनाकर और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। यानी कि गाइस, आप जो भी कार्टून वीडियो बनाओगे उसे जब अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करोगे तो आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप कार्टून बनाना सिखाऊंगा और इसे गाइस आप जब यूट्यूब पे अपलोड करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए फिर आपको फटाफट बताते हैं कि कार्टून वीडियो को कैसे बनाना है। हाँ, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है इस एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। देखो, इसको जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो जब इसको आप इस तरह से फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे कलर वगैरह दिखेंगे। अभी मैंने ग्रीन लगा रखा था, बट जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कलर, कुछ भी कलर आ सकता है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर जब एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे वो कलर होंगे, तो यहाँ पर सबको नो ग्रिड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मॉल, ठीक है। स्मॉल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, नो ग्रिड कर देना है। तो जितनी भी जो यहाँ पर खाने थे मतलब वो सब हट जाएंगे और कलर आ जाएगा। अब आपको कलर पर क्लिक करके और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको ग्रीन कलर, इस तरह का कलर सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो पहले बनानी है। तो यहाँ पे इस तरह से जब कलर आप सेलेक्ट करेंगे, अभी गाइस बहुत सारे अच्छे कलर करेक्टर होंगे ना, वो भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो इस सबसे पहले आपको इसकी मूवमेंट इस तरह से, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर करके देख लेना है, ठीक है। जो कैमरे बने इधर उधर, इसको आप इस तरह से करके इसकी पोजीशन को देख सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो बॉल बनी है, ठीक है, वाइट, अगर बॉल अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। शेडो करना चाहते हैं तो आप सबसे ऊपर वाला रखना नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रखना। बाकी आप ज़्यादा उलझन में पड़ जाओगे, क्योंकि जो आपको करेक्टर है ना वो एकदम बेहतरीन दिखने में होना चाहिए। अभी गाइस जो एरो बना, ठीक है, इस पर आपको बैक कर देना है, ठीक है। अभी इतने सारे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है करेक्टर, तो हमें अपनी वीडियो का करेक्टर चूज़ करना है, जो भी कार्टून हमें बनाना है। यहाँ पे अगर ऊपर आप बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करोगे तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल से करेक्टर होंगे, नीचे आपको बहुत अच्छे सारे करेक्टर मिल जाएंगे, जो कि गाइस यहाँ पर अगर इस तरह से आप इधर नेक्स्ट करते रहोगे तो अपने हिसाब से इस तरह का करेक्टर लेकर आप कार्टून बनाना चाहते हो वो कार्टून यहाँ पर करेक्टर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर अगर एक बात करूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो बॉडी है, उसके बाद लेफ्ट राइट, ठीक है। इस चीज़ को आप पोजिशन को चेंज कर करके देख सकते हो कि मेरा करेक्टर मतलब मूवमेंट करने में कैसा लगेगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, इसके पैर को इधर उधर कर सकते हो, हाथ को इस तरह से उठा सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या है, एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो मतलब कलर ग्रेडिंग है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, वरना यहाँ पर ग्लो ज़्यादा हो जाएगा इसका। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे एनिमेशन पर। एनिमेशन पर जाकर देखो गाइस बहुत सारे एनिमेशन आपका, इसी को लेकर आपको कार्टून वीडियो को बनाना है। तो जैसे आपको सिंपली से यहाँ पर इस तरह का एनिमेशन चूज़ कर लेना है, मतलब आपको स्टोरी में क्या क्या दिखाना है वो चीज़ आप यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पर इस तरह से आपको ऐसे ऐसे करके कोई भी पोजीशन मतलब कर लेनी है, जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लग रहा है। इस वाले एनिमेशन को ले लेते हैं, इस वाले एनिमेशन, ये देखो वॉल का, अगर आप चलते हुए दिखाना चाहते हो करेक्टर को तो इसको भी बना सकते हो। और इस तरह से आप देखो, अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, मान लो इस साइड में चलाना चाहते हो या इस साइड में चलाना चाहते हो, ये भी इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर गाइस इतना जब आप कर लोगे तो आपको यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा रेड कलर का, ठीक है। सिंपली से क्या करना है, आपको इस रेड कलर के रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इतनी देर की आपकी रिकॉर्डिंग रखनी है वो रख लेना, उसके बाद स्टॉप पर क्लिक कर देना, आपकी रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है। यहाँ पर गाइस अब और देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट जो करेक्टर मतलब जो नेक्स्ट यहाँ पर इमोट लगाना चाहते हैं वो कौन सा सही रहेगा। जैसे मान लो ये तो मतलब बंदा चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाना है कि ये मतलब बंदा चलते चलते गिर गया, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा पोजीशन देख लेते हैं, कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो यहाँ पर हम कोई ऐसा देख लेते हैं। देखो ये वाला सही है, ठीक है, बंदा यहाँ पर गिर गया, ये देखो, ठीक है। तो कौन सा वाला था, ये वाला था, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ये बंदा मेरा गिर चुका है करेक्टर मतलब। और एक और देख लेते हैं, हो सकता कोई और अच्छा भी हो, तो ये वाला तो कुछ नॉर्मल सा है, ठीक है, डेड है। तो थोड़ा सा इधर लाते हैं, फॉल डाउन, फॉल डाउन सही है, ठीक है, फॉल डाउन होगा। और ये फ्लाइंग वाला भी ले सकते हो। तो ये देखो फॉल डाउन यहाँ पे लगाएंगे तो ये बंदा करेक्टर ऐसे गिर पड़ेगा, मतलब चल कर आ रहा है, इसको ठोकर लगी और ये गिर पड़ा, इस तरीका में दिखाना है। तो आप भी कुछ अपने दिमाग से स्टोरी को मतलब क्रिएट करना, कुछ दिमाग में सोचना किस तरह से हमें अपनी स्टोरी को बना के चलना है। तो सिंपली क्या है ना, इसको भी हमें रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पर एक ये वाला ले लेते हैं, ये हम स्टार्टिंग में रख लेंगे, तो ठीक है, इस वाले को हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं। तो इसको हम रिकॉर्ड करके स्टॉप कर लेते हैं, रेड वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है इस तरह से। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर
ब्लैक कलर पे, जो ब्लैक कलर का है इसको ऑप्शन पे क्लिक करना है स्टॉप। ये देखो गाइस ये स्टॉप हो चुकी है, ठीक है, मतलब हमारी जो हमने रिकॉर्डिंग की है ये हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो चलते हैं गाइस अब सेकंड स्टेप की तरफ, क्योंकि अगर आप सेकंड स्टेप नहीं समझते हो तो आप अपनी कार्टून वीडियो को नहीं बना पाओगे और उसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप गाइस यहाँ पर ये होने वाला है कि सबसे पहले आपको गूगल से या कहीं से भी यहाँ से कार्टून बैकग्राउंड निकाल लेना है, ठीक है। कार्टून बैकग्राउंड आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, इस तरह से आपके बहुत सारे कार्टून बैकग्राउंड आ जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है अपने स्टोरी के हिसाब से वो कार्टून वीडियो मतलब कार्टून बैकग्राउंड फोटो डाउनलोड कर लेनी है। एक मैं ये वाला ले लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं क्योंकि मेरी छोटी वीडियो, तो मैं दो यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। आप जितनी लंबी वीडियो बनाओगे, 4 मिनट की बनाओगे, 5 मिनट की बनाओगे, उतने ज़्यादा आपको बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको तरह तरह के अपने जो बैकग्राउंड है मतलब पोजीशन है वो चेंज करके दिखानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये फोटो कुछ निकाल ली है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, ठीक है। इन सारी ऐप का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपके यूज़ के लिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह की वीडियो बना सको। तो जैसे यहाँ से काइन मास्टर आप ओपन करोगे, ठीक है, काइन मास्टर ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपने बैकग्राउंड लिए थे उसको एक एक करके ऐड कर लेना है। यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद गाइस जो हमने कार्टून वीडियो को अभी ग्रीन स्क्रीन बनाई थी उसको यहाँ पर सिंपली कर देंगे ऐड। तो पहला वाला इमोट हम इस वाले को लेंगे, इसके बाद सिंपली बहुत सारे ऑप्शन साइड में आपको दिखेंगे। यहाँ पर गाइस सबको पता होगा जो लोग क्रोमा की का यूज़ करना जानते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रोमा की को यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्रोमा की ऑन कर देना, ऊपर वाले को थोड़ा बहुत इधर एडजस्ट कर लेना, तो परफेक्ट तरीके से आपका जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगी। अब ये करेक्टर आपको चूज़ करना है कि आपको ये करेक्टर कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको करेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो गाइस इस तरह से ये इतना दिखा रहा है, ठीक है। बार बार तो नहीं करा सकते, सिर्फ एक बार इसका जो इमोट है बस वहीं तक रखेंगे, बाकी का आपको लास्ट का पार्ट कट कर देना है, ट्रिम टू राइट ट्रिम टू लेफ्ट का इसका यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे। सेकेंड वाला इमोट था हमारा ये वाला, मतलब बोलते बोलते इनके पटकी लग गई और ये गिर गया, ठीक है। तो जहाँ तक मतलब ज़्यादा तो हमें नहीं लेना है, तो पहले तो हम इसका क्रोमा की का इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे इसको, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके इधर उठा लाएंगे। अब यहाँ पर गाइस देखो और इसको प्ले करके देखेंगे कि यहाँ से इसकी पटकी लगी है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, मतलब ज़्यादा तो 2-3 बार तो पटकी दिखानी नहीं है, सिर्फ एक बार पटकी दिखानी, तो यहाँ तक इसको रखेंगे, ट्रिम टू राइट इसको कट दें, कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसका क्रोमा की को यहाँ पे इनेबल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रोमा की बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर ग्रीन स्किन को हटाना है। तो यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, इसकी ग्रीन स्किन को यहाँ से इस तरह से हटा देंगे और इस करेक्टर को हम यहाँ पर ज़मीन पर ला कर इसको रखेंगे, क्योंकि ये ज़मीन पर गिरा है ना। तो इस तरह से हम इसको देखो, इस तरह से ये पटकी लग गई, ठीक है, और यहाँ तक रखेंगे इतना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला जो इमोट है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद जो थर्ड वाला है मतलब जो ये गिरकर चल रहा था घुटनों के बल, उसको हम यहाँ पर लेंगे। सेम वही काम करना आपको यहाँ पर काइन मास्टर वो मतलब इसका क्रोमा की को यहाँ से एनेबल कर देना है, और इसको यहाँ से ऑन करने के बाद अब इसके भी थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। इसके बाद अब इसके साइज़ को आपको बड़ा करना है उसी करेक्टर के मतलब उसी के करेक्टर की लेंथ के बराबर। इसके बाद यहाँ पर हम इसको ज़मीन पर रखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा है, यहाँ पर रखेंगे। अब ये देखेंगे मतलब ये दोनों सही लग रहे हैं, देखो इसको प्ले करा, अब देखो गाइस ये एकदम सही आ गया। लेकिन गाइस ये एक ही जगह पर चल रहा है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसकी पोजीशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, मतलब बंदा जब घुटनों पर चलता है तो आगे तक जाता है ना, तो इस चीज़ को आपको कैसे करना है वो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर पहले तो इसको हम हाफ पे रखेंगे, ठीक है। हाफ पे रखने के बाद यहाँ पर आपको एक की का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उठाकर और इधर आपको सिंपली ले जाना है, बस गाइस अब इसको प्ले करके देख लेना है। तो इसको जब हम प्ले करेंगे ना, तो यार ये बहुत तेज़ी भाग रहा है, बहुत स्पीड में है, तो मतलब घुटनों के बल इतनी स्पीड में तो नहीं जाता है ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे, की पे क्लिक करके माइनस करेंगे और लास्ट में लाकर इसको हम की मारेंगे, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस फिर से हम इसको प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद देखो अब ये एकदम सही चल रहा है, मतलब जितनी स्पीड होना चाहिए उतनी स्पीड है। अब यहाँ पर गाइस देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ये होगी वॉइस रिकॉर्डिंग, मतलब आपको अपनी वॉइस ओवर करनी होगी पूरी। आप जब स्टोरी को क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप माइक अगर आपके पास है तो माइक लगा लेना, अदरवाइज आप अपने फ़ोन के माइक से भी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग गाइस आपको इस तरह से कर लेनी है, जब आपकी स्टोरी पूरी बन जाएगी, आपने खुद सोच रखा होगा, तो आपको इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से बैक करता हूँ और इसको प्ले करके मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पर ले आया, ठीक है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओ किसने मारा बे, अबे कौन मार के चला गया। तो इस तरह से आप भी अपनी फ़नी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर जिस तरह से आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। इस अपनी वीडियो को सेव करके आप यूट्यूब पे इसको अपलोड कर सकते हो। जब आपकी ये वीडियो चलने लगेंगी ना, तो बहुत सारी आपकी वीडियो ऐसी चल जाएंगी, उसके बाद आपको वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें गाइस
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी वॉइस ओवर होगी, आपकी खुद की आवाज़ होगी, तो भाई आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप बताइए गाइस, आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा से देख लोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक तो यार बनता ही है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के ट्यूटोरियल लाने में। और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।